फर्स्ट यूनिट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसी के छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो स्टेशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन उसको किया। केमिकल रिएक्शन में स्टेशियोमेट्री का मतलब अननोन रिएजेंट्स की अमाउंट नोन रिएजेंट के हाफ से हमने फाइंड आउट की। उसके लिए हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे, मोल मोल एनालिसिस, और सेकेंड कंसेप्ट हमारे पास था POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो उसी के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ए सैंपल। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, तुम्हें किसी भी कंपाउंड का सैंपल दे दिया जाए और उसमें उस कंपाउंड की परसेंटेज प्योरिटी, प्योरिटी की परसेंटेज पूछ लिया जाए कि कितना प्योर कंपाउंड, कितना परसेंट प्योर कंपाउंड उसके अंदर प्रेजेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, दिए हुए सैंपल के अंदर कंपाउंड के, प्योर कंपाउंड की परसेंटेज हम कैसे निकालें, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल हम कैसे फाइंड आउट करें। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे, एग्जांपल से समझते हैं परसेंटेज प्योरिटी निकालने का क्या फॉर्मूला हमारे पास आएगा, और फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे इसको, इस टॉपिक को समझने के लिए। सपोज करो हमारे पास क्या है, हमने ले लिया सैंपल ऑफ AgCl, ए सैंपल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सपोज करो हमें इसका जो मास दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक्स ग्राम। वी हैव गिवन ए सैंपल ऑफ सिल्वर क्लोराइड वाज मास इज एक्स ग्राम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सैंपल है ये प्योर है या इम्प्योर है? सबसे पहला तो हमारे पास यही प्रॉब्लम सामने आएगी कि प्योर है या इम्प्योर है। अगर इसमें जैसे फर्स्ट, इफ मास ऑफ AgCl, इफ मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज एक्स ग्राम, अगर हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का मास एक्स ग्राम आ जाए, सैंपल का मास भी एक्स ग्राम है और कंपाउंड का मास भी क्या आ गया एक्स ग्राम, इसका मतलब इस सैंपल के अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है। इट मीन ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है यानी कि प्योर है। तो मतलब परसेंटेज प्योरिटी कितनी आ गई, 100%। अगर मास, कंपाउंड का मास सैंपल के मास के इक्वल होगा, इसका मतलब दिए हुए सैंपल में पूरा क्या होगा, कंपाउंड रिप्रेजेंट होगा, तो 100% उसके अंदर क्या है, 100 ग्राम में से x ग्राम है तो 100 ग्राम में से क्या हो जाएगा, 100 ग्राम कंपाउंड ही हो जाएगा। तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो जाएगी, 100%। अगर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन x ग्राम AgCl कितना हो गया, x ग्राम ही हो गया, और परसेंटेज के लिए 100 ग्राम इन 100 ग्राम AgCl कितना हो जाएगा, x अपॉन x इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 100%। समझ रहे हो, अगर दिए हुए सैंपल का मास और हम कंपाउंड का मास इक्वल दिया गया है, जैसे एक्स ग्राम सैंपल था और एक्स ग्राम इसमें क्या है, सिल्वर क्लोराइड, तो एक्स ग्राम में से एक्स ग्राम है तो 100 ग्राम में से कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो जाएगी, 100%। अगर सैंपल का मास, हमारे पास दिए हुए कंपाउंड का मास सैंपल के मास से कम आ जाए, वो हमें गिवन नहीं होगा, हमें निकालना पड़ेगा। ऐसे ये जो प्रॉब्लम होगी हमारे सामने परसेंटेज प्योरिटी की, इसमें सबसे पहले हमें सैंपल का मास गिवन नहीं होगा, सैंपल का मास दिया जाएगा लेकिन कंपाउंड का मास हमें गिवन नहीं होगा, कंपाउंड का मास हम निकालेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि कंपाउंड का जो मास आया है वो सैंपल के मास से कम आया है। अगर कंपाउंड का मास सैंपल के मास से कम आया है, इसका मतलब सैंपल के अंदर जरूर क्या है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन की इन्वॉल्वमेंट आएगी। जो अब तक हम काम कर रहे थे स्टोइकोमेट्री इन केमिकल रिएक्शन, मोल मोल एनालिसिस और POAC, उसके हेल्प से हम पहले क्या करेंगे, दिए हुए सैंपल के अंदर कंपाउंड का मास निकालेंगे। एक टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक जुड़ता जा रहा है, अब ऐसा नहीं है कि वो सेपरेट टॉपिक था, वही टॉपिक है लेकिन उसी में क्या आ गया, अब एडिशनल हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कि परसेंटेज प्योरिटी भी निकालनी है। अब हमें अकेला कंपाउंड नहीं दिया जाएगा, सैंपल दिया जाएगा, उसमें पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोइकोमेट्री लगा के कंपाउंड की अमाउंट निकालनी पड़ेगी, सैंपल में कंपाउंड कितना, फिर उसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम तो दो तीन इसकी टाइप की प्रॉब्लम लेंगे, उससे आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अब जैसे कि हमारे पास क्या है, सेकंड केस हम ये कर लेते हैं कि इफ मास ऑफ AgCl इज वाई ग्राम, अगर हमें AgCl का मास कितना दे रखा है, वाई ग्राम दे रखा है, हमारे पास सैंपल का मास कितना है, एक्स ग्राम, और AgCl का मास हमने डिफरेंट
स्पेक्टर फाइंड आउट कर लिया AgCl का मास कितना आ गया वाई ग्राम, वाई ग्राम मस्ट बी लोअर देन एक्स ग्राम, वाई ग्राम जो होगा वो एक्स ग्राम से, सैंपल के मास से कंपाउंड का मास हमेशा क्या होगा कम होगा, तो इसका मतलब जरूर इसके अंदर इंप्योरिटी प्रेजेंट है। अब इंप्योरिटी कितनी प्रेजेंट है, सैंपल का मास कितना है एक्स ग्राम और कंपाउंड उसमें कितना वाई ग्राम, तो एक्स माइनस वाई, इतनी इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी ना। अब हमें निकालनी परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम सैंपल में हमारा कंपाउंड कितना है 100 ग्राम में। अब जैसे एक्स ग्राम में कितना है, एक्स ग्राम में AgCl कितना आ गया, कितना दिया हुआ है हमें वाई ग्राम, तो परसेंटेज प्योरिटी के लिए किसमें से निकालेंगे 100 ग्राम सैंपल में AgCl कितना होगा, क्या हो जाएगा x अपॉन y इंटू 100, यही होगा परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी निकालने का फॉर्मूला मतलब क्या आ गया, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला x क्या है मास ऑफ, आई थिंक ये y अपॉन x आएगा ना, y अपॉन x आएगा, ऊपर y आएगा y अपॉन x, तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, y क्या है मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड अपॉन x क्या है मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू क्या आ जाएगा 100। परसेंटेज प्योरिटी का निकालने का फॉर्मूला, जो हमें कंपाउंड का जो मास हमने निकाला स्टोइकोमेट्री लगा के, वो जो स्टार्टिंग में हमें कंपाउंड जो मास दिया गया था सैंपल का, वो मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू 100 परसेंटेज प्योरिटी। कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम परसेंटेज प्योरिटी के, कुछ न्यूमेरिकल लेंगे कैसे सॉल्व करें प्रॉब्लम को। तो हमारे पास क्वेश्चन है परसेंटेज प्योरिटी से रिलेटेड कि हम कैसे परसेंटेज प्योरिटी निकालें। क्वेश्चन क्या है, 200 ग्राम सिल्वर कॉइन, हमारे पास सिल्वर का एक कॉइन दिया गया है, मास दिया गया है 200 ग्राम, बाय ट्रीट विद डिफरेंट रिएजेंट सो दैट ऑल सिल्वर कन्वर्ट इनटू AgCl। क्या कह रहा है, हमारे पास एक सिल्वर कॉइन है जिसका मास 200 ग्राम है, उसको डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएगा, ट्रीट करवाएगा, इस तरह से करवाएगा कि इसमें जितना भी सिल्वर था वो सारा किसमें कन्वर्ट हो गया सिल्वर क्लोराइड में, सो दैट ऑल सिल्वर कन्वर्ट इनटू AgCl, सारा सिल्वर AgCl में सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट कर लिया गया डिफरेंट रिएजेंट के साथ सिल्वर कॉइन को ट्रीट करके। उसके बाद कह रहा है इफ 143.5 ग्राम AgCl इज ऑब्टेंड, तो जो AgCl जो मिला उसका मास कितना आया 143.5 ग्राम, ये AgCl का मास आ गया 143.5 ग्राम ऑब्टेंड। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सिल्वर इन कॉइन, कॉइन के अंदर सिल्वर कितना है उसकी परसेंटेज प्योरिटी क्या है वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मास, मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ कॉइन कह लो, मास ऑफ कॉइन कितना है 200 ग्राम। अब इसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो सिल्वर है वो एक्स ग्राम है, मास ऑफ सिल्वर, मास ऑफ सिल्वर हमने कितना मान लिया एक्स ग्राम, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगी 200 ग्राम में सिल्वर कितना है एक्स ग्राम, परसेंटेज के लिए कितने में से निकालेंगे 100 ग्राम सैंपल में से, तो क्या हो जाएगा इन 200 ग्राम सिल्वर कितना है एक्स ग्राम, इन 100 ग्राम सिल्वर कितना हो जाएगा एक्स अपॉन 200 इंटू 100, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन सैंपल इंटू 100 परसेंटेज प्योरिटी। तो हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, क्या किया हमने, हमारे पास कॉइन का जो मास था सैंपल जो है उसका मास 200 ग्राम था, उसमें हमने सिल्वर को कितना मान लिया एक्स ग्राम, तो 200 में से एक्स है तो 100 में से कितना हो जाएगा एक्स अपॉन 200 इंटू 100, तो ये आ गया परसेंटेज प्योरिटी। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं। अब हम एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें ये जो 143.5 ग्राम दिया गया है ये सिल्वर का मास नहीं दिया गया, अगर सिल्वर का दिया होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते, ये AgCl का मास है। अब हमें ये देखना है कि 143.5 ग्राम AgCl में सिल्वर कितना है, क्योंकि इसने बोला है कि सारा का सारा
कॉइन के अंदर जो सिल्वर था वो AgCl में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से इसको डिफरेंट रिएजेंट के साथ ट्रीट किया गया। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ सिल्वर इज प्रेजेंट इन 143.5 ग्राम AgCl। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, मोल मोल एनालिसिस या POAC की हेल्प से, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन की हेल्प से AgCl में सिल्वर की अमाउंट पता लगाएंगे। तो सिल्वर जो कॉइन के अंदर जो सिल्वर है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, AgCl में। सारा का सारा सिल्वर किस में कन्वर्ट हो चुका है, AgCl में। इसका मतलब जितने एटम कॉइन के अंदर थे सिल्वर के, उतने ही सिल्वर के एटम AgCl में प्रेजेंट है। तो POAC लगा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जितने सिल्वर के मोल एटम इधर है उतने ही सिल्वर के मोल एटम AgCl में है। अब इधर सिल्वर के मोल एटम कितने हो जाएंगे, मोल एटम ऑफ सिल्वर इंटू वन, एक में कितना होगा, एक मोल होगा। तो मोल ऑफ सिल्वर एटम इंटू वन इज इक्वल टू एक मोल में, एक मॉलिक्यूल में एक सिल्वर दिखाई दे रहा है तो एक मोल में क्या होगा, एक मोल सिल्वर एटम होगा। एक मॉलिक्यूल में एक सिल्वर है तो एक मोल AgCl होगा, तो उसमें एक मोल सिल्वर एटम ही होगा। तो इधर कितना होगा, मोल AgCl इंटू वन, POAC लगा रही हूँ मैं। इधर सिल्वर के मोल एटम कितने होंगे, जितने मोल सिल्वर होगा इंटू वन, और जितने इधर होंगे उतने इधर होंगे, क्योंकि सारा का सारा सिल्वर किस में कन्वर्ट हो चुका है, AgCl में। इधर एक मॉलिक्यूल में एक सिल्वर एटम है तो एक मोल AgCl में क्या होगा, एक मोल सिल्वर एटम होंगे। तो जितने मोल होंगे उतने ही, जितने मोल AgCl के होंगे उतने ही मोल एटम सिल्वर के होंगे, और दोनों साइड इक्वल है, तो POAC लगा दी। अब हमें क्या निकालना है, मोल कैसे निकालते हैं, ये मोल कैसे निकालेंगे, मोल AG के, एटॉमिक मास अपॉन गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास से मोल निकालते हैं। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास और गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास और कंपाउंड है तो मोलर मास। तो गिवन मास, अब सिल्वर का मास हमने कितना माना है, x ग्राम, और एटॉमिक मास सिल्वर का होता है 108 ग्राम। सिल्वर के मोल कितने आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है, और इसका जो मास है गिवन मास वो हमने कितना माना है, x ग्राम। तो मोल सिल्वर के, ये सिल्वर के जो मोल है ये क्या जाएंगे, x अपॉन 108 इज इक्वल टू मोल AgCl की कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास AgCl का कितना दिया गया है, 143.5। AgCl का जो मास दिया गया है वो कितना है, 143.5, और मोलर मास कैसे आ जाएगा, 108 प्लस 35.5, तो ये भी कितना आ जाएगा, 143.5। तो AgCl के मोल कितने आ गए यहाँ से, 1, तो x अपॉन 108 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, 108 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम जो सैंपल था हमारे पास सिल्वर कॉइन था उसमें सिल्वर कितना है, 108 ग्राम। 200 में कितना, 108, तो 100 में कितना हो जाएगा, 108 अपॉन 200 इंटू 100 परसेंटेज प्योरिटी। एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दें हम, तो परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी हमारे पास कितने आ जाएगी, 108 अपॉन 200 इंटू 100 कितना आ जाएगा, ये 54% परसेंटेज प्योरिटी। इम्प्योरिटी पूछी जाए तो 200 माइनस 108 से निकाल सकते हो तुम। इसी तरह से और भी तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स मैं सेंड करूँगी प्रैक्टिस के लिए, तो वो न्यूमेरिकल्स जब तुम करोगे तो तुम्हारे पास, तुम्हें अपने आप इस कंसेप्ट के ऊपर पकड़ बनेगी। कंसेप्ट के ऊपर अगर पकड़ बनानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, जितने न्यूमेरिकल मैं दे रही हूँ सबकी प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट अपने आप के लिए हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, एनालिसिस ऑफ मिक्सचर। एनालिसिस ऑफ मिक्सचर में हमें क्या करना है, अब हमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड का मिक्सचर दे दिया जाएगा। जैसे हमें कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर दे दिया, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड का मिक्सचर दे दिया, तो हमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड का जो मिक्सचर दे दिया जाएगा उस मिक्सचर की अमाउंट हमें बता दी जाएगी, और मिक्सचर की अमाउंट दे के कुछ साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी जाएंगी उनसे रिलेटेड केमिकल जो रिएक्शन होगी उससे,
और उस एडिशनल इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमसे इंडिविजुअल कंपाउंड का मास निकालना पड़ेगा, किसी इंडिविजुअल कंपाउंड की परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। अब जैसे हमारे पास मिक्सचर में मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का मिक्सचर है, एक्स ग्राम है, एक्स ग्राम मिक्सचर है मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का, साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, उनकी हेल्प से हमसे पूछ लिया जाएगा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्स ग्राम हमें मिक्सचर दिया गया है उसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम है और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितने ग्राम है। ये हम कैसे पता लगाएंगे, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में दी जाएंगी, जो केमिकल रिएक्शन जो अब तक हम मोल मोल एनालिसिस या POACs जो केमिकल रिएक्शन जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उनसे पता लगाएंगे। फिर क्या होगा, हम जैसे हमारे पास एक्स ग्राम में आ गया वाई ग्राम, तो परसेंटेज के लिए कितने में आ जाएगा, 100 ग्राम में से एक्स ग्राम मिक्सचर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जैसे वाई ग्राम आ गया तो 100 में से कितना आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स इंटू 100। तो एनालिसिस ऑफ मिक्सचर का क्या मतलब है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड का हमें अमाउंट दे दी जाएगी, मिक्सचर दे दिया जाएगा, मिक्सचर का मास हमें बता दिया जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें इंडिविजुअल कंपाउंड का मास और उसकी परसेंटेज निकालनी है। इसके रिलेटेड भी हम दो तीन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम कैसे इन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं 184 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, 184 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इज हीटेड 184 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्सचर को हीट किया गया एट एसटीपी कंडीशन के ऊपर 44.8 लीटर CO2 गैस इज ऑब्टेन्ड। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज बताओ। क्या कह रहा है, 184 ग्राम मिक्सचर है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को एसटीपी कंडीशन के ऊपर उसको हीट किया गया है, एसटीपी कंडीशन के ऊपर इसको हीट किया तो साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, इसी के हिसाब से इसने हमसे पूछ लिया कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज निकालो। तो कैल्शियम कार्बोनेट का पहले मास आएगा, फिर हम मास कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मास ऑफ मिक्सचर इनटू 100 करके परसेंटेज निकाल देंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसमें सपोज करो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को मान लिया एक्स ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट मान लिया हमने एक्स ग्राम और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हमने मान लिया वाई ग्राम। अब टोटल एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 184 ग्राम, एक्स टोटल 184 है, कैल्शियम कार्बोनेट को एक्स ग्राम मान लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट को वाई ग्राम मान लिया, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 184 ग्राम, ये होगी अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जब इस मिक्सचर को हम हीट करते हैं तो 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एसटीपी पे लिबरेट आउट होती है, उसके हिसाब से उसका यूज करेंगे अब हम आगे इस प्रॉब्लम में आगे बढ़ने के लिए। तो इसके लिए अब हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये जब डिकम्पोज होता है तो इसके प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं ये डिकम्पोज होता है तो इसके प्रोडक्ट अब क्या बनेंगे। तो ये छोटी छोटी रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है, 10th क्लास तक की हैं, आप कर चुके हो ये ऑलरेडी 10th क्लास में। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हम हीट करेंगे तो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ये सॉलिड है और ये क्या है, गैस है, बैलेंस भी है ये इक्वेशन। इसी तरह से हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो MgO बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ये सॉलिड होगा और ये क्या बनेगा, गैस। तो ये रिएक्शन अगर बच्चे को नहीं पता है तो वो यही रुक जाएगा, आगे ये प्रॉब्लम कर ही नहीं पाएगा। तो ये छोटी छोटी रिएक्शन जो तुम्हारे सामने आ रही है उनको लर्न कर लो, इनको याद करना ही पड़ेगा, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी है, 10th क्लास में भी आ चुकी है। अब हम इसके ऊपर मोल मोल अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है तो उसको हम, मैं यही कहूंगी हर बार की मोल मोल एनालिसिस, मोल मोल
एनालिसिस से सोल्व करो इसको, अगर बैलेंस करना मुश्किल है देन पीओएसी लगाओ। तो ये तो बैलेंस इक्वेशन है, तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ने के लिए मोल मोल एनालिसिस लगा देंगे। मोल मोल एनालिसिस यानी कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हर जगह 1:1 का है, तो हम क्या कहेंगे, मोल कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल CO2 अपॉन 1। मैंने मोल मोल, चलो मैं एक बार इसको रफ कर देती हूँ, इसको दोबारा से लिख लेंगे, मोल मोल एनालिसिस लगा देंगे। बैलेंस इक्वेशन है तो मोल मोल एनालिसिस क्या करते हैं, मोल कंपाउंड के अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। CO की हमसे कोई अमाउंट इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी गई है ना दी गई है, इसीलिए हम सीधा क्या कर देंगे, मोल CO2 अपॉन 1। अब कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मैं मोल कैल्शियम कार्बोनेट के कैसे निकालोगे, गिवन मास कैल्शियम कार्बोनेट के गिवन मास को हमने कितना माना है एक्स, और इसका जो मोलर मास है वो जो जोड़ के निकालोगे, कैल्शियम का प्लस कार्बन का प्लस 3 ऑक्सीजन का, ये कितना आ जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 3 × 16, तो इसको जब तुम इक्वल करो सम करोगे तो ये कितना आएगा 100 ग्राम। ये बात भी तुम याद रख लो, कुछ एक फेमस कंपाउंड के मोलर मास याद रख लो, वहां पर कैलकुलेट करोगे सम करने लग जाओगे, एटॉमिक मास की पता नहीं होगा तब तक क्वेश्चन का टाइम जा चुका होगा। तो जो फैमिलियर कंपाउंड है 20-25 उनके मोलर मास याद रख लो, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना गया 100, मैंने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के कैसे निकाल लिए, गिवन मास एक्स माना था हमने अपॉन मोलर मास कितना 100, इक्वल कर देती हूँ मैं मोल CO2 के, तो CO2 के जो मोल आ गए यहाँ से वो एक्स अपॉन 100 आ गए, पर CO2 सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से नहीं मिल रही, मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है उसके इतने मोल मिल रहे हैं, एक्स अपॉन 100 मोल मिल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने मिले, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी जब हम हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, बैलेंस है इक्वेशन ऑलरेडी, बहुत ही आसान है, पीओएसी इसमें मोल मोल एनालिसिस लगा देंगे, मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल CO2 अपॉन 1, मोल CO2 अपॉन 1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 की है, मोल मोल एनालिसिस लगा दी। मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट के कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना माना था y ग्राम, तो y अपॉन मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास जब तुम निकालोगे तो ये आएगा 84, मैग्नीशियम का 24 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 84 ये आ जाएंगे मोल CO2, तो CO2 के y अपॉन 84 मोल तो यहाँ से आ गए और x अपॉन 100 मोल आ गए यहाँ से। अब इनको इक्वल कर दें, हमें CO2 के मोल दिए गए हैं क्या, CO2 के मोल ही दिए गए लेकिन एसटीपी कंडीशन के ऊपर CO2 का वॉल्यूम दिया गया 44.8 लीटर। अब एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, एसटीपी कंडीशन के ऊपर 22.4 लीटर अगर गैस हो कोई भी तो कितने मोल होंगे, एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा एसटीपी कंडीशन के ऊपर हर किसी भी गैस का। तो अगर 22.4 लीटर में एक मोल है तो 44.8 लीटर में कितने मोल हो जाएंगे, 44.8 अपॉन 22.4 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 2 मोल, यानी कि CO2 के मोल कितने हैं, लीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मोल निकालने हैं तो हमें जो वॉल्यूम लीटर में दिया गया उसको 22.4 से डिवाइड करके मोल निकाल लेते हैं, मोल आ गए 2, तो CO2 के मोल कितने हैं 2। तो ये जो CO2 के जो टोटल मोल हैं ये कहाँ से आए, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करने से आए, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं, x अपॉन 100 प्लस y अपॉन 84 इज इक्वल टू 2, टोटल मोल 2, और टोटल मोल ये मोल CH3 के हीट करने से और ये मोल MgCO3 के हीट करने से, तो ये इक्वेशन आ गई सेकंड, दो इक्वेशन आ गई, पहले इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 184। इस टाइप के न्यूमेरिकल को आपको हमेशा यही करना है, एक के अमाउंट को x मान लो, दूसरे के अमाउंट को y मान लो, x प्लस y इक्वल टू अमाउंट ऑफ मिक्सचर गिवन, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट करके मोल मोल एनालिसिस या पीओएसी की हेल्प से निकाल लोगे, दो इक्वेशन दो अननोन सोल्व कर लेंगे, x प्लस y कितना आया था
184, ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी। यहाँ से जब तुम इनको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 100 ग्राम, x की वैल्यू 100 ग्राम आएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 184 माइनस 100 484 ग्राम। इसने हमसे क्या पूछा था परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, 184 ग्राम में 184 ग्राम जो सैंपल है या मिक्सचर है हमारे पास, उसमें CaCO3 कितना आ गया 100 ग्राम, 184 में कितना आ गया 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा 100 अपॉन 184 इंटू 100, ये आ जाएगी परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज का मतलब 100 में से निकाल लिया। 184 ग्राम में 100 ग्राम था, 184 ग्राम में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा 100 अपॉन 184 इंटू 100, ये आ जाएगी परसेंटेज कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट की जो परसेंटेज आएगी उसको 100 में से माइनस कर दोगे तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट की परसेंटेज आ जाएगी। तो कुछ और न्यूमेरिकल लेते हैं मिक्सचर ऑफ एनालिसिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए।